प्रदेश का गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम डॉक्टर गुड आफ्टरनून गुड डॉक्टर आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून डॉक्टर मास्के आपका हैंड राइज है, कुछ बोलना है पूछना है। गलती से चालू हो गया सर। ओके लोअर कर लो। यस सो टुडे टुडे वी विल सी द चैप्टर नंबर 7 द मटेरियल बॉडी डिपेंड्स व्हाई इज अ वी इज मायाजम द मटेरियल बॉडी डिपेंड्स एंड मायाजम मटेरियल बॉडी का डिपेंड्स कैसे होता है, क्यों होता है और मायाजम। तो अकॉर्डिंग टू मायाजम या अकॉर्डिंग टू मायाजम होता है। ओके बॉडी किस तरह से डिफेंस करके मतलब किस तरह से बिहेव करती है, जो मायाजम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसी टाइप से बॉडी बिहेव करेगी, रिएक्ट करेगी, डिफेंस करेगी। दिस इज द चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द एंड ऑफ माई अजम्पशंस ऑफ मायाजम द बुक रिटन बाय डॉक्टर विजय कर सर एंड टूडे वी विल सी द चैप्टर 7 फ्रॉम पेज नंबर 69। So, according to modern science, the inflammatory and irritative pathologies seem to imminent. The inflammatory and irritative pathologies seem to emanate from the physiological defense. Yes. The growth pathologies seem to emanate from constructive defense. And third one, the destructive pathologies seem to emanate from destructive defense. So these are three processes, only and only three processes are the defense mechanism. So that means there are only three miasms. So first defense is inflammatory defense, second is constructive defense, and third is destructive defense. So in teen ke alawa, other koi process ho hi nahi sakti, kyunki har disease ko firstly inflammation se hi hoke jana padega. Then inflammatory defense, inflammatory process jab end up hoti hai, फिनिश होती है, उसके बाद वहां कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, क्योंकि इंफ्लामेटरी प्रोसेस में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज होता नहीं है। तो जब स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, दैट इज द इंफ्लामेटरी प्रोसेस द फर्स्ट ओनली इरिटेशन, ओनली इरिटेशन। जैसे कि सिंपल कोई भी बात लो, ये तो डिफेंस की बात है एट द फिजिकल लेवल, एट द बॉडी लेवल। हमारे मेंटल लेवल पे भी अगर एक एक आधा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान हमें बहुत परेशान करता है ना, बार बार हमें कोई बहुत से लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, कोई हम लोग जो प्रोफेशनल है क्लिनिक्स चलाते हैं, अदर बिजनेसमैन जो है या फिर डेली वर्कर, हर इंसान को अगर इस बात से अगर गुजरना है कि अगर कोई पर्सन आपको बार बार टीच कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो अल्टीमेटली हमें वो इरिटेशन लगता है।
इरिटेटिव बातें लगती हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं, है ना। इरिटेट होते हैं, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, बोलेंगे, है ना, समझाएंगे या फिर खुद को विड्रॉल करेंगे, कुछ तभी करेंगे। तो ये ओनली एट द माइंड लेवल, एट द एंगर इरिटेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे ओनली हमारी फिजियोलॉजी, बॉडी ये ओनली फिजियोलॉजी वर्क कर रही है। हम सोच रहे कि इस पर्सन से कैसा छुटकारा पाए विदाउट विदाउट झगड़ा कर, है ना, कोई झगड़ा ना हो, कोई नुकसान ना हो, खाली बात पे ही काम बन जाए। दिस इज द ओनली इरिटेशन ऑफ माइंड, इस फिजियोलॉजी इस सोरा। जब इससे भी बात नहीं पड़ती है, जैसे कि हमने हमारे किसी जो नजदीक है उससे समझा के बोला, है ना, रिलेटिव्स को, उसके रिलेटिव्स को बताया कि भाई इसको समझा दो, ये करो, ये सब हमारे हथकंडे विदाउट एनी क्वारल या फिर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओनली हम ओरली ये सब कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो उस पर्सन के वो बात समझ में आ जाए। तो ये होगा विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन और विदाउट एनी कोई भी नुकसान न होते हुए ये करना, ये सोना। तो ये करने के बाद भी जब हमारे समझ में नहीं आता है कि वो इंसान समझ ही नहीं रहा है उस इस बात का सीरियस, उस सीरियसनेस उसे है ही नहीं कि सामने वाले को कोई तकलीफ हो रही है, फिर भी उसका वो छलना, उसका वो टीच करना, उसकी वो तकलीफ देना शुरू ही है, फिर हम हमारा मोड ऑफ थिंकिंग चेंज कर देते हैं कि ये ऐसे से नहीं मान रहा, हमने बहुत समझा के देखा, प्यार से समझा, गुस्से से समझा, ये करके रिलेटिव से हेल्प लेके समझाया, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं। अब हमें कुछ तभी अलग करना पड़ेगा ताकि वो समझ सके, फिर हम सोचेंगे कि अब इसको कुछ थ्रेड देते हैं, है ना, कुछ धमकी देते हैं, है ना, कम से कम थ्रेटेंड से भी वो समझ में आएगा। तो हम किसी की तभी थ्रू उसे धमकी देते हैं कि अगर इसके बाद तूने कुछ किया तो बहुत बुरा होगा, है ना, हाथ पैर टूटेंगे, हम मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रिपोर्ट देंगे, है ना, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। तो ये किसी के थ्रू कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज साइकोसिस। किसी को धमकाना, धमकी देना, डराना, ये साइकोसिस। अब इससे भी नहीं मान रहा तो आखिर में हम क्या करते हैं कि अब तू सामने आ जा, अब देखो देखना ही पड़ेगा, फिर बात झगड़े पे आ जाती है, हाथापाई पे आ जाती है, उसमें कुछ भी नुकसान हो सकता है, कुछ ब्रेक भी हो सकता है, इंजोर्ड वुंड भी हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, जान भी सार सकती है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो ये माइंड लेवल पे होंगे, है ना। तो इसी तरह से फिजिकल लेवल पे, जैसे कि सेल्यूलर लेवल पे भी इसी तरह से होता है सोरा, दैट इज ओनली फंक्शनल, देन साइकोसिस द स्ट्रक्चरल चेंज एंड आफ्टरवर्ड द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस द थर्ड सिग्नेटिक स्टेज। सो हैनेमन इन 79-80 ऑर्गेनिज्म ऑफरिज्म ही राइट्स इन पैरा 80 ही टॉक्स अबाउट क्रॉनिक मायासम ऑफ सोरा which announces itself by a peculiar cutaneous eruptions with intolerable itching and which is the fundamental cause and producer of numerous and or innumerable forms of diseases. Transient explosion of latent sora. See, listen. Transient explosion of latent sora gives rise to acute diseases as reaction to injurious influences. So all acute diseases is the burst of latent sora. Transient explosion of latent sora. Transient, matlab it is a temporary.
टेम्पररी ब्लास्ट ऑफ सोरा। तो इतने एग्जैगरेटेड फॉर्म में सोरिक सिम्टम्स आते हैं, दिस इज द एक्सप्लोजन ऑफ सोरा विच एंड इन रिकवरी और डेथ। यस, तो एक्यूट डिजीजेस इट विल क्योर और रिवर्स, रिवर्स दैट इज सोरो सिफिलिटिक। सोरा से डायरेक्टली वो सिफिलिस में चले जाएगा या फिर सोरा से क्योर हो जाएगा कंप्लीटली। सो एक्यूट इंफ्लामेटरी डिजीज फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एपेंडिसाइटिस, दीज आर द सोरिक स्टेजेस। देन साइकोसिस, द कॉन्डिलोमेटस डिजीज लाइक ग्रोथ्स, वार्ट्स, ट्यूमर्स, है ना, सिस्ट इज साइकोसिस। So this is the second defense. And third defense, that is the venereal disease with chancre, disease of destruction, is the syphilis. So these are only three miasms: sora, psychosis, and syphilis. Soric, mostly soric are the acute diseases. But Hahnemann in chronic disease always writes that sora is chronic. Sora is latent. Only explosion of latent sora is acute. Yes. So, from the above similarities, one can safely presume and conclude that Hahnemann's miasm of sora psychosis and syphilis has its root in the defensive response of the same to injurious influences. Take sora psychosis and syphilis are the only defensive mechanism. Ye tabhi bahar aayega, ubhar ke aayega jab body kisi इंजूरियस इंफ्लुएंसेस के अगेंस्ट डिफेंस करेगी। तो वो जिस टाइप से बॉडी में डिफेंस प्रेजेंट है, माइजम प्रेजेंट है, उस हिसाब से बॉडी वहां बिहेव करेगी। सो सोरा दैट इज द फिजियोलॉजिकल डिफेंस रिस्पॉन्स, साइकोसिस दैट इज द कंस्ट्रक्टिव मॉर्फोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव डिफेंस रिस्पॉन्स, एंड सिफिलिस दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिफेंस रिस्पॉन्स। सो हैनेमन एंड मॉडर्न मेडिसिन, हैनेमन इन सोरा इज द फर्स्ट रिएक्शन टू स्टिम्यूलस, एंड मॉडर्न साइंस डिफेंस दैट इज द इंफ्लामेशन इज द फर्स्ट रिएक्शन टू स्टिम्यूलस। बोथ आर सेम, बोथ स्टेटमेंट्स आर सेम। सो ऑल डिजीजेस स्टार्ट विद सोरा, होम्योपैथी ऑलवेज सेज all diseases start with sora, and modern science कुछ इसी तरह से कहता है कि all diseases start first with physiologic defense like inflammation. Hahnemann, sora is the only real fundamental cause. Modern science, physiologic defense is the first response to the cell injury. Both concept, both thinking, both logics are same. All the diseases of psychosis, syphilis are based on sora. All diseases start, though it is psychosis, though it is syphilis, start from sora. All the other defenses, constructive or destructive, are secondary to primary physiologic defense, that is the inflammation is sora. So modern science and homeopathy, both the concepts, both the thinking is same. So sora is the mother of all miasms. And dekho yahan pe kya kaha hai, sora is the mother of all miasms,
एंड इरिटेशन और इंफ्लामेशन इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल डिजीजेस। तो यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स ये कहते हैं, मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। नो, सोरा इज द मदर ऑफ ऑल मायाजम्स। तो ये करेक्ट कर लेना। ओके, सो हैनेमन, सोरा इज नॉट टू बी इक्वेटेड टू ईच और एनी स्किन लीजन। Sora is the condition which prevails in cells and tissues of the whole organism before it expresses itself in the form of itch, vesicles, intolerable itching, etc. In para 80, Sora announces eruptions after the completion of internal infection of the whole organism. देखो बहुत ही अच्छा लिखा है कि इरप्शंस और पिक्यूलियर क्यूटेनियस इरप्शंस और सोरा दैट इज द ईच एंड एवरी इरप्शन और ईच और बर्निंग इज द सोरा इज अनाउंसेस एज पिक्यूलियर क्यूटेनियस इरप्शंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटरनल इन्फेक्शन। तो उन मतलब सोरा भी वैसे स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो। जब इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, पोल्यूटेड होगा, देन सोरा विल स्टार्ट। सो सोरा इज अ स्पेसिफिक इंटरनल डिस्क्रेसिया ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। Yes. So Sora is specific internal dyscrasia. Matlab Sori depends. Sori physiology like inflammation start after your internal dyscrasia, matlab internal environment when become disturbed. Internal equilibrium homeostasis when become disturbed, then soric symptoms will start. And in modern science, the primary response to the cell injury is determined by hypoxia and ischemia. Matlab again, the part of physiology, matlab wahan ka equilibrium, physiology, harmony and homeostasis when become disturbed, jaise ki प्राइमरी रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी, मतलब जब वहां की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी ड्यू टू हाइपोक्सिया और इशेमिया, मतलब ऑक्सीजन बराबर मिल नहीं रहा सेल्स को, मतलब क्या बॉडी का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, दैट इज द फिजियोलॉजी बिकम डिस्टर्ब। एंड फिजियोलॉजी वेन बिकम डिस्टर्ब देन सोरा विल स्टार्ट। So, like lack of oxygen and lack of nutrition to the cell and tissue, the first point of attack of hypoxia is the cell aerobic respiration, that is oxidative phosphorylation by mitochondria, resulting in decreased generation of ATP. This reduced ATP has widespread effect on many systems within the cell, like sodium potassium pump is affected and leading to lethargy in the cell, matlab energy loss, so individual and failure of active transport system due to reduced ATP concentration resulting in isosomatic gain of water to give rise to cell swelling, cellular energy metabolism is altered, disruption in the protein synthesis, etc. This lead to reduced cell tissue resistance and infections can easily take place. So modern science ne clearly बहुत ही अच्छी तरह से explain किया है कि physiology जब disturb हो जाती है तो it invites the inflammation. तो inflammation किस तरह से start होगा?
दैट मीन्स द फिजियोलॉजिकल डिफेंस रिस्पॉन्स कब स्टार्ट होगा क्लियरली दिया है, है ना। जैसे ही हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन लेस होता है, तो फंक्शन ऑफ सेल बिकम डिस्टर्ब, सेल का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो वहां की एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो वहां पे धीरे धीरे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा और स्वेलिंग के बाद इंफ्लामेशन, दिस इज द सोरा फर्स्ट डिफेंस। सो इन होम्योपैथी हैनेमन इन एक्यूट डिजीजेस बर्स्ट ऑफ लैटेंट सोरा कैन एंड इन रिकवरी इफ नॉट डेड। सोरा में दो ही बातें हो सकते हैं, एक रिकवरी या फिर एंड ऑफ लाइफ डेथ। क्लॉकवाइज रिकवरी, एंटी क्लॉकवाइज इज डेथ। सो मॉडर्न साइंस एक्यूट प्राइमरी रिस्पॉन्स कैन बी रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल सेल इंजुरी इफ वायलेंट इट मे एंड इन डेथ। द सेम concept is also of modern science. So this is the chapter number 7. So in short, हमने अभी 7th chapter में देखा कि defenses are of three types: physiological defense, constructive defense, and destructive defense. Physiological defense is sora. Constructive defense is psychosis and the syphilitic defense is syphilis. So all three defenses are follows in homeopathy as well as allopathy. Modern science भी इसी तरह से कहता है और homeopathy भी, मतलब this is the universal truth and this is also the mathematics. कहीं पे भी जाओ जाओ आपको same ही मिलेगा, right? So, इससे क्लियर हो जाता है कि देयर आर ओनली थ्री एंड ओनली थ्री मायाजम्स, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। सो ओनली थ्री डिफेंसेस ऑफ द सेम सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो दिस इज कंप्लीट द चैप्टर नंबर 7। तो इस पे अगर आपको सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस डिफेंस पे कुछ पूछना है तो हम 2 मिनट लेंगे और आप पूछ सकते हैं, ओके। या फिर इस पे किसी को कुछ डिस्कस करना है मायाजम्स पे तो आप कर सकते हैं। यस, क्या करेक्ट बोले? आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। सर ये चार्ट में आपने क्या करेक्ट करने के लिए बोले थे? क्या करेक्ट करने के लिए बोला था मैंने? सोरा इज द मदर ऑफ ऑल मायाजम। सोरा इज द मदर ऑफ ऑल मायाजम। बहुत से डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि वो मायाजम के जगह डिजीज अप्लाई करते थे। सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, बट सोरा इज द मदर ऑफ ऑल मायाजम्स। मतलब सोरा से ही साइकोसिस, सोरा से ही सिफिलिस स्टार्ट होगा, राइट। क्योंकि सभी डिजीजेस सोरा से ही स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं। जो बाय बर्थ होते हैं सिफिलिटिक डिजीजेस, वहां पे सोरा स्टार्ट ही नहीं होता है, वो तो डायरेक्टली सिफिलिटिक होते हैं, राइट। इसलिए सोरा इज द डिजीज ऑफ ऑल मायाजम, नॉट द डिजीज। ओके, सो हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर देते हैं, चलेगा? यस सर। ओके, यस सर। सो चैप्टर नंबर 8, द सेल हैज ओनली थ्री डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज एंड देयर कैन बी ओनली थ्री मायाजम्स।
जो अभी हमने देखा वही है, लेकिन थोड़ा सर ने इसमें एक्सप्लेन किया है हाउ एंड व्हाई। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैन हु इज अंडर अटैक फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ होस्टाइल वर्ल्ड। यू ऑल नो वी आर अंडर कंटिन्यूअस अटैक ऑफ होस्टाइल फोर्स, सो बॉडी कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्स देते रहती, कंटिन्यूअसली डिफेंस करते रहती हमारे। सो ही इज एन एजुकेटेड मैन लिविंग इन अ शैंटी लिटिल हाउस। शैंटी लिटिल हाउस मतलब जो लाइक अ झोपड़ी, सो छोटा सा झोपड़े टाइप का। ही इज बीइंग थ्रेटेन्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट दैट आर ट्राइंग टू इविक्ट हिम। ही हैज थ्री पजेशंस। यस, तो एक छोटे से घर में एक इंसान, पढ़ा लिखा इंसान रहता है। सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि एक पढ़ा लिखा इंसान एक छोटे से घर में रहता है, लेकिन सोसाइटी कुछ एंटी सोशल फैक्टर्स पर्सन्स उसे तकलीफ देते हैं, तो उसका फर्स्ट डिफेंस क्या होगा? क्या करेगा वो अगर कोई आके तकलीफ दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, या फिर आपका घर इलीगल है, आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल है, आप यहाँ इलीगली रह रहे हैं, तो अगर ये बार बार आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, तो आप फर्स्ट क्या करोगे? आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको मारना भी नहीं है, तो फर्स्ट डिफेंस क्या होगा? बॉडी फर्स्ट डिफेंस करेगा, सेल कैसे फर्स्ट डिफेंस करेगा? तो ही इज बीइंग थ्रेटेन्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स दैट आर ट्राइंग टू इविक्ट हिम। ही हैज थ्री पोजीशंस, वन पेन, सम मनी एंड ब्रेड नाइन। तो तीन वेपन्स भी आपके पास, पोजीशंस भी आपके पास दे दिए कि इन तीन में से आपको यूज करना है। आपको ये आपके डिफेंस के लिए दिए हैं, तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट ऑलवेज, अगर हम सोचते हैं कि रियली द सोरा इज द फर्स्ट डिफेंस, फिजियोलॉजी इज द फर्स्ट डिफेंस, तो वी ऑलवेज यूज अ पेन, एंड यस दैट पर्सन इज ऑलवेज यूज्ड पेन, कि हम उसकी कंप्लेंट लॉज करेंगे। तो सम मनी एंड ब्रेड नाइफ व्हेन ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ प्रॉब्लम, ही वुड लाइक टू डिफेंड हिमसेल्फ यूजिंग व्हाट एवर थिंग इज पजेसेस। इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ ही विल मेक यूज ऑफ हिज पेन टू पिन डाउन हिज कंप्लेंट टू द पुलिस और द हायर लॉ मेकिंग अथॉरिटीज। इफ ही डज नॉट गेट हेल्प फ्रॉम देम, ही शैल डिसाइड टू सैक्रिफाइस हिज हार्ड अर्न मनी टू बाय हिज सेफ्टी बाय अपॉइंटिंग पर्सनल गार्ड्स। इफ दिस ऑल्सो फेल्स टू डिटेल द इन्वेडर्स, ही मे गेट डी desperate and try to use the knife to defend himself or even kill himself to escape the ignominy of defeat. Yes, ignominy of defeat. तो बहुत ही अच्छा सर ने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि कोई भी पर्सन इसी तरह से हर हमारे लाइफ के जो भी प्रॉब्लमेटिक इवेंट्स होते हैं, प्रॉब्लमेटिक किससे होते हैं, हम इसी तरह से उसमें बिहेव करते हैं। हर कोई इंसान जिसके अंदर सोरा स्ट्रांग है तो ऑलवेज यूज द पेन, अगर साइकोसिस स्ट्रांग है तो ही ऑलवेज यूज द मनी, है ना, पैसा खर्चा करके खुद का प्रोटेक्शन करेगा, गार्ड रखेगा, सिक्योरिटी रखेगा, है ना। यस, एंड आप देखो ना, जिनके पास बहुत पैसा होता है उनको झेड़क सिक्योरिटी मिलती है, एंड वो भी अगर जब फेल होता है तो ही यूज द नाइफ द वीपन फॉर प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। सो दिस इज कॉल्ड सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस।
मनी इज ऑलवेज साइकोसिस, पेन इज ऑलवेज सोरा, एंड नाइफ इज सिफिलिस. दिस चैप्टर सो ऑन सिमिलर ग्राउंड्स द डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ द सेल इज बेस्ड ऑन कंजर्विंग यूजिंग और sacrificing its possessions of unicellular animal like amoeba has no possessions. This base living animal has only its functions to sacrifice if required. Every living cell or a living organism which is at least deductively its descendant also possesses the following three basic functions which can be used to defend itself. Yes. So these are, again, sir has given the examples how the man will, the seal will defend. So using or sacrificing the primary or first function of nutrition and respiration of the seal brings about the physiologic defense or sura. This response starts with hypoxia and ischemia, leading to depletion of energy generation. This in turn affects the cell functioning and health. Yes. And the second, using the sacrificing second basic function of generation of the cell's capacity to generate, the cell bring about the morphological constructive defense by sacrificing functions of mitosis, etc., which correspond to psychosis. So, yahan pe mitosis matlab 1:2, 2:4, 4:8 जो नेचुरल ग्रोथ एक्सिस है उसे सैक्रिफाइस करके उसे 1:3, 1:4, 1:5 इस तरह से डिटेक्ट करना इज फेलियर ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ सेल ग्रोथ एंड इट मल्टीप्लाइज गोज इनटू साइकोसिस. Then the morphological destructive defense is brought about by using or sacrificing immunity. Ab third function mein wahan immunity hi sacrifice ho jati hai, hai na? Immunity sacrifice hona, that means hum jab ye sochte hai, ye sochne ke liye majboor ho jate hai ki ab karo ya maro, ya to wo zinda rahega ya fir main zinda rahunga. This is the sacrificing of immunity. That is the third basic function of a cell. This risk correspond to syphilis. So there are three basic functions of a cell. Therefore, only three basic defensive responses exist. Therefore, only three types of chronic diseases exist. Hence, there can be only three miasms. All others are pseudomiasms. There are only and only three miasms. So this comparison of sora to primary physiologic defense, psychosis to morphological constructive defense, and syphilis to morphological destructive defense, and all the diseases having their origin in sora, psychosis, and syphilis was also foreseen by डॉक्टर हैनीमन 200 इयर्स बैक. जब भी वही था और आज भी वही है. इतने साल युग बीत गए लेकिन ये बेसिक की फंक्शंस इंसान के सेल पे डिस्टर्ब नहीं हुए. ये इतने साल पहले भी वही थे और आज भी वही है. दैट इज द सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस. सो ऑर्गन ऑन एपोरिज्म 74 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन एपोरिज्म इन द होल बुक ऑफ ऑर्गन. तो देखो हम अगर माइथोलॉजिकल एग्जांपल यहां लेते हैं तो देखो सेम है. इतने साल बीत गए, युग बीत गए, करोड़ों साल बीत गए, लेकिन वही डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है. बॉडी के अंदर, बॉडी के इंटीरियर ऑफ सेल में, मतलब जो जीन्स होते हैं वो सबसे इंटीरियर ऑफ मैन हो गया. जहां ये डिफेंस चलते हैं वो
अभी भी वैसे ही है, सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, जितने साल से आए हैं और उतने आगे कितने साल चलेंगे ये ऐसा ही रहेगा। देखो आप, जब रामायण में राम और सीता, सीता को जब हरण किया जाता है तो राम जी का फर्स्ट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है कि सीता को वापस लाना। अब सीता को वापस लाने के लिए राम निकल पड़ते हैं, और जब तो कोई पेन कागज थे नहीं कि भाई लिख के कुछ एक आधा लव लेटर लिख के रावण जी को बता दे कि भाई सीता जी को वापस कर दो वरना बहुत बुरा होगा, तो वो क्या करते हैं, दूध भेज देते हैं हनुमान जी को दूध बना के। दिस इज द यूज ऑफ पेन, दैट इज द फर्स्ट डिफेंस सोरा, है ना। फिर ये फर्स्ट डिफेंस फेल हो जाता है, वो बात दूत से भी बात नहीं बनती है, तो राम जी सोचते हैं अब सेकंड डिफेंस यूज करना पड़ेगा, दैट इज द कंस्ट्रक्शन। और इतने बड़े समुन्द्र को पार करने के लिए वो एक ब्रिज सेतु तैयार करते हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव पार्ट। अब वो भी होने के बाद जब ये लंका पहुंचते हैं उसे पार करके, तो वहां पार करने के बाद भी रावण मानता नहीं, वो समझ नहीं पाता कि ये इंसान इतने दूर से आया, पहले इसने भेजा माने नहीं, दूत भेजा माने नहीं, इसने इतना बड़ा समुंदर पार करके आया, इतना बड़ा ब्रिज, इतने बड़े समुंदर होस्ट ऑफ सी पे कंस्ट्रक्ट किया, इसे पार करके आया, मतलब ये इंसान कुछ मामूली इंसान नहीं है, इससे डरना चाहिए, लेकिन वो मानता नहीं, मतलब सेकंड डिफेंस भी फेल हो गया। फिर आखिर में करो या मरो बात आती है इम्यूनिटी की, अब एक तो वो जिएगा या फिर हम जिएंगे, या वो मरेगा या फिर हम मरेंगे, तो युद्ध वार, दिस इज द थर्ड डिफेंस, डिस्ट्रक्टिव डिफेंस। फिर कितने सारे जाने गए, लाशें पड़ी, है ना, कितना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ इससे पहले। तो ये देखो कितना नेचुरल है, ये दिस थ्री मायाजम्स आर रियली द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ डिजीजेस और डिफेंसेस इन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो इसके अलावा चौथा मायाजम हो ही नहीं सकता, दीज आर ओनली थ्री मायाजम, दीज आर ओनली थ्री प्रोसेसेस इन द ह्यूमन साइंस, सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस, फिजियोलॉजी कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। यस, सो द सेल डिफेंस मैकेनिज्म, एवरी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फेसेस डैमेज, नहीं कहां गए अपन, सॉरी पेज पलट गया पलट। सो तो देर आर थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ अ सेल, थ्री देयर फोर ओनली थ्री बेसिक डिफेंसिव रिस्पॉन्सेस एग्जिस्ट, देयर फोर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस एग्जिस्ट, राइट। सो ओनली देर आर ओनली थ्री मायाजम, सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस। सो ऑर्गेनॉन एफोरिज्म 74 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफोरिज्म इन द होल बुक ऑफ ऑर्गेनिज्म, होल बुक ऑफ ऑर्गेनॉन। यस, तो 74 को आप मार्क करके रखिए, जिसमें हैनेमन ने मायाजम के लिए लिखा है, इस प्रोसेस के लिए लिखा है कि किस तरह से ये प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में होती है। सो ही स्टेट्स अमोंग क्रॉनिक डिजीजेस वी मस्ट स्टिल अलास रेकॉन दोज सो कॉमनली मेट विथ artificially produced in the allopathic treatment by the prolonged use of violent heroic medicine in large and increasing doses by the
एब्यूज ऑफ कैलोमेल कोरोसियो सब सब लिमिट क्या लिमिट मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट नाइट्रेट ऑफ सिल्वर आयोडीन एंड इट्स ऑइंटमेंट्स ओपियम वैलेरियम सिंकोना बार एंड फिनाइन फॉक्स ग्लो प्रुसिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर एंड पेरिनियल परगेटिव्स 73 वेने सेक्शन शेडिंग स्टीम ऑफ ब्लड लीचेस इश्यूज सेटॉन्स एटसेट्रा. थोड़ा सा स्मॉल राइटिंग्स होने की वजह से थोड़ी दिक्कत जा रही है. ओके सो वेयर बाय द वाइटल एनर्जी इज समटाइम्स वीकेंड टू एंड अनमर्सीफुल एक्सटेंड समटाइम्स इफ इट डज नॉट सक्यूम ग्रेजुअली एबनॉर्मली डीअरेंज बाय एच सब्सटेंस इन अ पिक्यूलियर मैनर. तो हैनेमन ने 73 में ये लिखा है 74 एफोरिज्म में लिखा है कि किस तरह से डिजीजेस स्टार्ट होती है. पहले तो यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे केमिकल्स बहुत सारे ऐसे ड्रग्स यूज करने से या फिर बॉडी पे उसका कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट होने की वजह से बहुत से डिजीज प्रोसेस स्टार्ट होती है. सो वेयर बाय तो वाइटल जिससे वाइटल एनर्जी जब एनिमन ने वाइटल फोर्स टू एनिमन वाइटल एनर्जी कहते थे. सो वाइटल एनर्जी और वाइटल फोर्स इज समटाइम्स वीकेंड टू एंड अनमर्सीफुल एक्सटेंट. यस तो इन लार्ज डोजेस यूज करने की वजह से बॉडी पे उसकी वजह से वाइटल एनर्जी वीक हो जाती थी एंड वाइटल एनर्जी वीक होने की वजह से sometimes if it does not succumb gradually abnormally derange. Yes. So धीरे धीरे वो totally derange हो जाती थी by each substance in a peculiar manner in a such way that in order to maintain life against these inimical and destructive. लेकिन वो energy क्यों weak हो जाती थी? Because it protect the man. The whole man, the whole constitution. So उसे protect करते करते लेकिन ये continuous use होने की वजह से in drugs का in chemicals का the energy that vital force become weak and afterward if it does not succumb gradually abnormally derangers. So in order to maintain life against these inimical and destructive attacks it must produce a revolution. तो ये प्रोटेक्ट करते करते खुद में रिवॉल्यूशन लाता था. और वो रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन दैट मींस द चेंज इन द स्टेट ऑफ द वाइटल फोर्स दैट इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ तो ये किस लिए? तो ओनली टू मेंटेन द लाइफ against these inimical and destructive attacks it must produce a revolution in the organism and either deprive some part of its irritability and sensitivity. तो वो revolution क्या है? तो first revolution or we can say it is a first defense or first function of the body that is the irritability and sensitivity. तो ये उस पार्ट की इरेटेबिलिटी बढ़ा देना या फिर सेंसिटिविटी बढ़ा देना और एग्जर्ट दीज टू एंड एक्सेसिव डिग्री कॉज डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्शन. जब इरिटेशन और सेंसिटिविटी बढ़ाने से भी काम नहीं बन रहा है देन दैट पार्ट बिकम कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट और रिलैक्स और इंड्यूरेट. है ना? एक तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर डायलेट होगा या फिर रिलैक्स हो जाएगा. और उससे भी नहीं हुआ तो उस पार्ट में पानी भरना शुरू हो जाएगा. दैट इज द एक्युमुलेशन इज स्वेलिंग एंड इज कॉल्ड इंड्यूरेशन. और इवन अगर इससे भी नहीं काम बढ़ा इससे भी प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है देन इवन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टन पार्ट इससे भी नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली स्वेलिंग इतना बढ़ जाता है कि वहां ये अल्सरेशन फॉर्म क्रैक्स आना शुरू हो जाता है. दैट इज द अब ये क्यों हो रहा है? तो अगर इससे भी क्रैक होने से और
अल्सरेशंस होने से भी अगर वो काम नहीं बनता है तो बॉडी धीरे धीरे उस पार्ट को रिमूव कर देती है, कट ऑफ कर देती है, ताकि अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वो सेफ रख सके. दिस इज द करो या मरो इज सिफिलिस डिस्ट्रक्शन. तो देखो कितना अच्छा हैनेमन ने एफोरिज्म नंबर 74 में अबाउट मायाज्म मायाज्म के लिए लिख के रखा है. सो इवन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सर्टन पार्ट एंड डेवलप फॉल्टी ऑर्गेनिक अल्टरेशन हियर एंड देयर इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर टू द क्रिपल द बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे गया तो क्या गया, थोड़ा सा पार्ट गया, मतलब बॉडी तो बची इज द थर्ड डिफेंस. यस, सो बाय एवर रिन्यूड होस्टाइल एसॉल्ट ऑफ सच डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, दिस इज द 74 एफोरिज्म एंड दिस इज द डिफेंसिव प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. So in the above aphorism, Dr. Hahnemann talks about chronic diseases being most often the result of prolonged use of violent heroic medicines in a large doses and helps the mentions many of them which were in use of that time. तो ये जितने भी ड्रग के नाम यहाँ Hahnemann ने दिए वो उस टाइम पे यूज होते थे, अभी वो यूज नहीं होते, लेकिन अभी उससे भी डेंजरस use ho raha hai, that is the antibiotics. Yes, so these medicines, he says, weaken the vital energy to unmerciful extent and more often than not the organism succumb to it. If not, then the organism and its vital energy fights against the injurious agent. This fight he calls as a revolution in order to maintain life. तो ये रिवॉल्यूशन किस लिए होना हो रहा है, तो ओनली टू सेव द लाइफ. दैट इज द इट इज नॉट रिवॉल्यूशन बट इट इज द डिफेंसिव मैकेनिज्म. सो इट इज एज इफ द ऑर्गेनिज्म मस्ट प्रोड्यूस अ रिवॉल्यूशन और डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द इंजूरियस एजेंट इफ इट इज टू सर्वाइव. अगर ये रिवॉल्यूशन बॉडी में नहीं होगा, ये रिवॉल्यूशन बॉडी में नहीं होगा तो बॉडी सेफ हो ही नहीं सकती, बॉडी सर्वाइव हो ही नहीं सकती. और ये सर्वाइव होने के लिए तीन नेचुरली नेचर ने हमें तीन डिफेंसेस, तीन प्रोसेसेस दी है, दैट इज सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस. ही क्लियरली मेंशंस थ्री टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन, आइदर डिप्रॉय सम पार्ट्स ऑफ दिस ऑफ इट्स सेंसिबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी और एक्सर्ट देम टू एक्सेसिव डिग्री एज इट ऑकर इन कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम व्हिच फॉलोस फिजियोलॉजिक डिफेंस, दैट इज रूपोर, डोलोर, कोलोर, कैलोर, फंक्शनलिसा एटसेट्रा इज सोरा. तो देखो रूपोर, डोलोर, कैलोर, दैट मीन्स द inflammation is the defense mechanism. That means we can say it is the friend of each and everyone. So, sora agar ho raha hai to samajh lo wo inflammation jarur hai, aur taklif dene wala jarur hai, lekin wo hame protect kar raha hai. That's why it is the friend. तो सोरा हमारे लिए बना है, डिफेंस मैकेनिज्म हमारे लिए बना है. हम अगर उसे इस टाइप के, जैसे कि यहाँ कितने सारे ड्रग्स मेडिसिन का Hahnemann ने बताया, वो लेके हम इसको इस पे ट्राई करते हैं, इस पे उसके इंक्रीजिंग डोजेस में अप्लाई करते हैं, तो वो अल्टीमेटली उस वाइटल एनर्जी को, दैट मीन्स वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करेगा, और वाइटल फोर्स वहां अगर फेल हो गया तो सेकंड डिफेंस वहां स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बॉडी ने इंटीमेशन दिया था डिफेंस चालू है, लेकिन आपने वो माना नहीं, अटैक करना शुरू कर दिया, तो वहां फर्स्ट डिफेंस फेल हुआ. फिर बॉडी ट्राइज टू स्टार्ट द सेकंड डिफेंस, अगर उसमें भी इस मेडिसिन का, इस ड्रग का एप्लीकेशन अप्लाई करना कंटिन्यूस रहा, तो वो सेकंड डिफेंस भी फेल होगा, देन बॉडी गोज इनटू थर्ड डिफेंस. सो कॉज डायलिटेशन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंड्यूरेशन,
dilatation is caused by less fibrin, that is psychosis less. Relaxation tissues is caused by the less elastin, that is psychosis less. Induration tissues is caused by the fibrin excess, that excess production, that is psychosis excess. And construction of tissues is caused by the elastin excess production, that is psychosis excess. So psychosis contains less or excess, matlab hypopsychosis and hyperpsychosis. Yes, so psychosis ke two types hai, excess and less. Then the third, the total destruction of certain parts, that is necrosis, to save the whole. So necrosis bhi hamara defense mechanism hamare liye hi hota hai taki baki body ko safe rakha jaye. So develop faulty organic alteration, that is distortion, crippling the body internally or externally is syphilis. So distortion or destruction is syphilis. So these three groups of symptoms mentioned by Hahnemann are very much similar to what modern science taught as three basic defenses response of the cell to injurious agent. He clearly mentions that the body adopts these three groups of symptoms as a revolt in order to preserve the organism from complete destruction of life by destructive forces. This particularly settles any argument regarding the meaning of miasm. Miasm means defensive response of the cell. Miasms are the origin of all diseases. There are and can be only three miasms if one understands the whole process scientifically. Yes. So, ye padhne ke baad, koi ye bol hi nahi sakta ki iske alawa bhi koi miasm hai. Yes. So, there are only three and only three miasms. So, the aphorism 74 is the most important, most neglected, and the most misunderstood aphorism in the book of Organon. Hahnemann has confessed in the introduction to chronic disease that this most important discovery was not discovery of homeopathy, but the discovery of miasm. In a letter to Frederick, Hahnemann wrote in 1820 in the homeopathic writings, as yet published, there is still lacking the great keystone. अभी तक जितना भी होम्योपैथी का 1820 तक जितना भी इन्वेंशन हुआ था, उसके इतना इन्वेंशन होने के बाद होम्योपैथी वॉज इनकम्प्लीट आफ्टर द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज. इन्वेंशन ऑफ थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज द होम्योपैथी बिकम कम्प्लीट. सो इन द होम्योपैथिक राइटिंग्स एज इट पब्लिश्ड, देयर इज स्टिल लैकिंग द ग्रेट कीस्टोन व्हिच बाइंड्स टुगेदर ऑल दैट हैज बीन so far published, so that we may be able to improve the treatment of chronic diseases. He further writes, by thousands of experiments I have at least attained my project. None of my pupils as yet know anything of this invaluable discovery. Hahnemann ne likha ki bahut se aur unke student hai jo unko abhi tak ye bhi pata nahi hai ki ye डॉक्टर हैनिमन क्या कर रहे हैं, क्या डिस्कवरी है. ही द वर्क ऑफ विच टू मैनकाइंड एक्सिस्ट ऑल एल्स दैट आई हैव एवर डिस्कवर्ड एंड विदाउट विच ऑल एग्जिस्टिंग होम्योपैथिक रिमेंस डिफेक्टिव और इम्परफेक्ट. है ना, तो उन्हें ये भी पता नहीं कि अगर ये डिस्कवरी नहीं होती थी तो होम्योपैथी बिकम इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट. एंड दिस एफोरिज्म 74 बोर्ड्स द ग्रेट कीस्टोन. The keystone which solved the mystery of incurable disease, the keystone which revealed that the organism revolts in only three different ways to give rise to three different types of diseases, at the base of which are miasm, psoriasis, psychosis, and syphilis. So on the page 34, the chronic diseases, Hahnemann says, in Europe and also on other continents, so far as it known, according to all investigation, only three chronic miasms are found. अगर इसके अलावा भी होते थे तो शायद उसी वक्त हैनेमन को दिखते थे, right? So if not all the chronic diseases originate, namely first syphilis, which I have also called the venereal disease,
then psychosis or the figwort disease, and finally the chronic disease which lies at the foundation of the eruption, that is itch, the sora, which I shall treat of first as the most important. So, jab tak sora complete cure nahi hoga, we cannot say that the man is completely cured. Yes. So modern research says that inflammation is the first response of the organism to cell injury. The two morphological defense responses are only secondary to the first. The primary response of inflammation is from childhood, and no individual can survive without it. Yes. So therefore, sora, inflammation, is the mother of all diseases. Psychosis and the syphilis are only secondary to sora, because the destructive and the constructive pathologies cannot exist without the primary inflammation. Since nobody can survive without the first physiological response, nobody can be free of sora. So sora is the first primary defense. So this is the complete theory or invention of Mayism. Yes. So now we have completed the chapter number 8. So hope so you all understand this theory of Mayism, theory of invention of Mayism, the theory of defense of the body. Yes. So thank you. कोई क्वेश्चन होगा तो हम फास्ट आज क्वेश्चंस लेंगे, देन वी विल क्लोज द सेशन. हेलो हेलो सर. हेलो. यस सर. एक पेशेंट है मेरे पास, उसको सर एलर्जिक राइनाइटिस प्लस अर्टिकारिया है, तो जीसीएस देने के बाद में पहले क्या ये हो जाना चाहिए, पहले क्या सॉल्व होना चाहिए पहले आप बताइए, आपके हिसाब से क्या जाना चाहिए पहले सर? राइनाइटिस कब हो जाना चाहिए पहले? नो आर्टिकेरिया. आर्टिकेरिया फोर्थ लेयर सर. यस. तो आर्टिकेरिया पहले कम होना चाहिए, राइट? यस. देन ये क्यों हो रहा है आर्टिकेरिया राइनाइटिस उस पर्सन को क्यों हो रहा है? मतलब बॉडी ने वहां पे बॉडी की सेंसिटिविटी क्यों बढ़ा दी, तो वो पर्सन किस किस चीज को सेंसिटिव है, कौन सी बातों को सेंसिटिव है, वो सेंसिटिविटी पहले नॉर्मलाइज होनी चाहिए. अर्टिकेरिया मोस्टली ऑकर ड्यू टू एंगर. व्हेन एंगर बिकम एक्सेस देन अर्टिकेरिया दैट व्हिच सेल मसल मस्ट हाँ मस्ट मस्ट ब्लास्ट एंजियो है ना कुछ तो एंजियो ब्लास्ट एंजियो मसल्स मसल्स तो ये सेंसिटिव होने की वजह से एंगर से वो स्टिमुलेट होते हैं और एचिंग स्टार्ट हो जाती है. तो ये क्यों हो रहा है, तो उस सेंसिटिविटी को पहले कम होना चाहिए, देन अर्टिक्रिया विल बिकम नॉर्मल आफ्टरवर्ड द राइनाइटिस. यस ओके. हेलो सर. यस सर. सर एक केस भेजेंगे आज, अभी जो है सोरियासिस का केस है, तो उसका फीलिंग लिखना है सर. अगर हिंदी में लिखें तो समझ लेंगे आप, कि इंग्लिश में लिखें जैसे आपको कंफर्टेबल हो. नहीं मैं तो दोनों लिख लेता हूँ, लेकिन मैं फीलिंग जो लिखूंगा वो हो पाए ना हो पाए. हिंदी में ज्यादा अच्छी तरह से लिख पाएंगे आप, है ना, फीलिंग्स. हाँ इसीलिए सोच रहा हूँ, लिखता नहीं हूँ लेकिन कोशिश करूंगा. ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर. अभी हम भेज रहे हैं सर, अभी लिखिए. हमारे कुछ जो नहीं समझा हम पूछ लेंगे बस. ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके सो और कोई है, और कोई क्वेश्चंस
Somebody else, we have any query questions? If all questions, queries finish, then we will. सबको मायाजम पता है सर, इसीलिए कोई सवाल नहीं कर रहा है। हाँ अच्छा, फिर अरे स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट नहीं पूछा। सर, अच्छा अच्छा सबसे मायाजम मोस्ट कंफ्यूशन। कॉम्प्लिकेटेड है हाँ सर। लेकिन मायाजम सबसे इजी है। हाँ जाने दुगुना मैं केला ते सर चांगले सर, त्यांना ये आपके काहीच लिए नाही झालं। हम लोग सीख रहे हैं। हाँ, मायाजम एक बार करा समझ में चाहते आए हैं ना तो ठीक है ना। तो आणि तरी आपल्याला काय पैसे त्याच्याकडून काय घेणे आहे नाही, पैसे कमवत नाही, पैसे का पैसे तर जाऊ नहीं, द्या, तेवढं काय हे क्या नाहीये। क्या पैसे क्या त्यांना काहीतरी पैसे असा डॉक्टर हे झाला पाहिजे ना। नरेश हाँ पैसे नहीं घेणार तर कसं चालेल। सर ये ठीक वाइजनेस क्या है, यानी वाइज पर्सन को डिसीजेस नहीं आती है, तो इसमें माइजन को कैसे कंसिडर क्या मैं समझन करें? वाइज वाइजनेस जो बोलते ना, वाइज पर्सन है या वाइजनेस वालों में माइजम उतने इन्वॉल्व इवॉल्व नहीं होते हैं। वाइस क्या बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं समझा। वाइज 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 WISE यस सर, यस सर, वाइज पर्सन को माइजम उतने इम्पैक्ट नहीं करती, तो वाइजनेस में माइजम किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अपन, तो आप बताओ ना, थोड़ा वाइज पर्सन आप किसे कह रहे हैं, एग्जाम्पल दो। ज्ञान हु इज द ऋषि वाइज मुनि। पर्सन सॉरी इन सर, इन दिस 21st century? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो सर इतना डिफिकल्ट है तो इतने डिफिकल्ट बात को क्यों सोच रहे हैं? मोस्टली हमारे पास पेशेंट ही आते हैं, है ना? जो बहुत रेयर है वो रेयर को रेयर ही रहने दो, रहने दो, राइट? क्योंकि यस इतना बड़ा सारा मास पड़े हुआ है, मास ऑफ पेशेंट्स पड़े हुए हैं, उन्हें ट्रीट करो। यस सर, ये भी सही है। सो ओके, चलो क्विट कर दे। थैंक यस, थैंक यू यस सर, यू थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक फंगल इन्फेक्शन यू सर। स्कीम साइकोसिस कौन से मायाजम में आता है? फंगल, फंगल मींस क्या? सर, यस, फंगल दैट इज द साइकोसिस, पैरासाइट्स, है ना? जी, पैरासाइट्स जो दूसरों पे मतलब भोजन ले रहा है दूसरे सर्वाइव होते भरोसे। हैं ना, दूसरे के जी बॉडी पे सर्वाइव होते हैं, दैट इज द साइकोसिस। सपोर्ट चाहिए उनको। यस, साइकोसिस, ऑल फंगल डिजीजेस आर साइकोटिक डिजीजेस। सो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक थैंक यू सर। यू। थैंक यू।